फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है इन मेमोरियम AHH मींस आर्थर हेनरी हॉलम, रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जैसा हम सब जानते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ब्रिटिश राइटर हैं और ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, मींस विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। सबसे पहले इस पोएम की इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये पोएम लिखी गई 1849 में और ये पोएम एक एलिजी है और एक एलिजी नहीं भी है। ये पोएम एलिजी इसलिए है क्योंकि ये लिखी गई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के एक फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर। आर्थर हेनरी हेलम कैम्ब्रिज में टेनिसन के साथ पढ़ते थे और 22 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो जाती है और अपने फ्रेंड की मौत पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को काफी दुख होता है और इस दुख के चलते वो ये पोएम लिखता है। और ये एलिजी इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से स्कॉलर मानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो एलिजी से मैच नहीं खाता, इसलिए ये एलिजी नहीं है। लेकिन फाइनली इसको एलिजी की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। टेनिसन के फ्रेंड हॉलम की डेथ 1833 में हुई थी और उन्होंने ये पोएम 1850 में पब्लिश कराई और ये पोएम 19वीं शताब्दी की सबसे बेहतर पोएम मानी जाती है और इसका ओरिजिनल टाइटल है द वे ऑफ द सोल। सो ये हुए इसके कुछ की फैक्ट्स। अब बात करते हैं इसकी मेन थीम या सेंट्रल आइडिया के बारे में। इस पोएम का जो स्पीकर है वो खुद टेनिसन है और इसमें वही अपने इमोशंस और अपने दुख को इस पोएम के थ्रू हमें दिखाता है। मेनली ये पोएम उसके फ्रेंड से उसका सेपरेशन के दुख को दिखाती है। 1850 में ये पोएम इतनी सक्सेसफुल रही कि उन्हें वर्ड्सवर्थ के बाद में इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बना दिया जाता है। इस पोएम में एक प्रोलॉग है जिसमें टेनिसन जीसस क्राइस्ट को संबोधित करता है, यानी कि इवोक करता है और कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। इस प्रोलॉग में वो अपने दुखों को दूर रखता है और यहाँ पर पॉजिटिव बातें करता है और वो कहता है कि जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया वो कुछ सोच समझ के ही बनाया। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कुछ उद्देश्य है, कुछ रीजन है। इंसान अपनी जिंदगी में दुखी इसलिए है क्योंकि वो नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने उनके लिए क्या प्लान किया है। वो कहता है कि कभी कोई चीज नहीं मरती लेकिन उसका स्थान बदल जाता है। जैसे वो अपने फ्रेंड को लेकर कहता है कि वो अपने फ्रेंड की मौत पर दुखी नहीं है बल्कि वो दुखी है कि उसके और उसके फ्रेंड के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस आ गया है क्योंकि यहाँ पर वो आफ्टर लाइफ या हेवन जिसे स्वर्ग कहते हैं उस पर विश्वास रखता है और उसे विश्वास है कि उसका फ्रेंड स्वर्ग में है। और बाद में वो ये भी कहता है कि एक फ्रेंड की मृत्यु पर उसका हक है कि वो विलाप करे, दुख मनाए और कहता है कि ईश्वर उसे माफ़ करे क्योंकि वो इतना दुखी है और वो इतना दुखी होना एक वो अपने आप में पाप समझता है। टेनिसन इस दुख को आगे ऐसा ही बरकरार रखना चाहता है क्योंकि वो मानता है कि अगर जो ये दुख ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है मेरा प्रेम जो मेरे फ्रेंड के लिए है वो ख़त्म हो गया। और वो यहाँ पर टाइम को भी अलाव नहीं करता कि टाइम उसके दुख को थोड़ा हल्का करे या कम कर दे। और वो डेथ को इसलिए कर्स नहीं करता क्योंकि डेथ ने उसका फ्रेंड उससे छीन लिया है बल्कि उनके बीच में जो दूरी आ गई है उसे वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए टेनिसन को दुख है। और वो अपने माइंड में उस इमेज को रिक्रिएट करता है जब उसका फ्रेंड इटली से इंग्लैंड लाया गया। इस पोएम में टेनिसन की दुख की कई स्टेज हैं। पहले स्टेज है उसका दुख शांत होता है लेकिन बाद में वो दुख बढ़ता जाता है और ये इतना दुखी होने को अपना एक पाप मानता है और फिर कहता है कि ये नॉर्मल है। इसके बाद वो बाइबल की तरफ जाता है जिससे उसे थोड़ा कंफर्ट महसूस होता है क्योंकि क्रिश्चियन मैथोलॉजी या रूल्स के अनुसार कोई भी इंसान नहीं मरता बल्कि वो अमर होता है, मरने के बाद में हेवन या हेल में जाता है। तो इसी तरह टेनिसन सोचता है कि उसका जो मित्र है वो मरा नहीं है बल्कि अनंत काल तक हेवन में चला गया है। लेकिन उसके माइंड में ये स्ट्रगल चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके दुख और उसके कंफर्ट के बीच में। और इसके बाद में उसके जो क्वेश्चन उठते हैं उसके दिमाग में वो नेचर को इस चीज़ से जोड़कर देखता है और वो इस आइडिया से भी स्ट्रगल करता है कि क्या गॉड ने अच्छा किया कि इंसानों ने को बनाया और उनकी ज़िंदगी में इतना सारा दुख भर दिया। लेकिन पोएम के एंड तक उसे उसके सवालों के सारे जवाब मिल जाते हैं और वो इस चीज़ से कंफर्ट होता है कि ईश्वर ने सभी कुछ सोच समझ के बनाया है, हम जो हैं हम ही वो प्लान नहीं देख पाते जो हमारे पीछे ईश्वर ने क्रिएट किया है। और एंड में उसको रियलाइज होता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि इंसान को बहुत सारी नॉलेज गेन करनी है, ये चीज़ें हमें नॉलेज देती हैं। और वो मानता है कि इंसानों के पास में आत्मा है और वो
आत्मा अमर है जिसका कोई अंत नहीं है। और इसके एपिलॉग में यानी कि इसके अंत में, इस पोयम के अंत में टेनिसन इस चीज़ से कंफर्ट करता है कि उसकी जो बहन है वो अपनी बहन की शादी को सेलिब्रेट करेगा, उसके बहुत सारे और भी कई फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको इस बात का भी दुख है कि उसका ब्रदर इन लॉ उसका फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम न बन सका, जिसकी उसे पूरी उम्मीद थी। अगर हम इस पोयम के फॉर्म एंड मीटर की बात करें तो ये लिखी गई है एम्बिक टेट्रामीटर में, मीन्स एक स्टैंजा जिसमें चार लाइनें होती हैं और उनका मीटर एम्बिक होता है। और ये लिरिक फॉर्म में लिखी गई, जिसका मतलब है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि खुद टेनिसन इसका स्पीकर है और वो अपने खुद के इमोशंस को इस पोयम में रखता है। और इसमें 131 लिरिक्स हैं, इसमें प्रोलॉग और एपिलॉग भी जुड़ा हुआ है। ये एक लॉन्ग पोयम है और इस पोयम की थीम एलिजिक है। एलिजिक मीन्स वो पोयम होती है जिसमें स्पीकर अपने किसी डियर फ्रेंड या उसके कोई डियर रिलेटिव्स की मौत पर अपने इमोशंस को रखता है, लेकिन वो साइज में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन ये काफी बड़ी है। और इसकी साइटिंग इंग्लैंड में है और टेनिसन के माइंड में है, क्योंकि बहुत सारी पोयम उसकी खुद की यादों में चलती है। सो फ्रेंड्स, ये था इस पोयम का वेरी शॉर्ट क्रिटिकल एनालाइज। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।